उसमें। वाजिद कादरी साहब, आप औरंगाबाद शहर के शहर सदर है जमात इस्लामी के। अभी लॉकडाउन में ग्राउंड लेवल पर बहुत बढ़िया काम चल रहा है आपकी जमात का, ज़रूरतमंदों तक आप पहुंच रहे हैं, आपका नेटवर्क बहुत अच्छा है शहर में भी और देश भर में। तो अभी प्लानिंग कैसा है नया पहुंचने का आपका, क्या क्या आप मदद पहुंचा रहे हैं? जी देखिए, जैसे ही COVID-19 का मामला शुरू हुआ और लॉकडाउन की सिचुएशन हमारे शहर में आई, तो उसी वक्त हमारी जो एक कमेटी है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, हम सब लोग बैठे और हमने इस पर प्लानिंग की कि किस तरह से हमको काम करना चाहिए। 2-3 प्लानिंग उसमें हमने फाइनलाइज़ की। उसमें सबसे अहम चीज़ ये थी कि शहर में जो अलग अलग NGOs काम कर रहे हैं उनका कोऑर्डिनेशन किया जाए, उनको बूस्टअप किया जाए। इसी तरीके से अलग अलग महलों के अंदर जो अपने अपने कमेटियाँ हैं, जो लोग अपने तौर पर काम करते हैं, उनको ये बताया जाए कि साहब आप अपने अपने महलों को संभाल लीजिए। क्योंकि जो बात समझ में आ रही थी और अब आप देख भी रहे हैं कि जैसे सिचुएशन है कि इसमें तो हमारा जो गरीब तबका है, जो रोज़मर्रा काम करने वाले लोग हैं, लेबर क्लास हैं, मजदूर हैं, रिक्शा ड्राइवर हैं, टपरी वाले हैं, वो तो मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन अब उससे आगे जाकर जो हमारा लोअर मिडिल क्लास है, उनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है और हालत उनकी यह है कि वो किसी के सामने मांग भी नहीं सकते, हाथ भी नहीं फैला सकते। तो इस सिचुएशन को देखते हुए हमने सबसे पहले हमारे NGOs का कोऑर्डिनेशन किया और तकरीबन 50 से 60 NGOs हैं जो अब मिलकर कोऑर्डिनेटेड तौर पर अपने तौर पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं और हमको मालूम था कि ये जाहिर है कि 3 से 4 लाख की हमारे शहर की ज़रूरत है, जो गरीब जो आवाम है, और हम पूरी कोशिशें करके भी 30-40 हज़ार लोगों तक शायद पहुंच सके मुश्किल से। बहरहाल हमने अपनी कोशिशें की, उसमें हमने कोशिश ये इस बात की ये की कि हम पूरी तरीके से मिलजुल कर काम करें। दूसरा उसमें जो हमने प्लानिंग की थी वो ये थी कि हम अपने लोकल अथॉरिटीज़ से मिले, कलेक्टर साहब से मुलाकात की गई, DSO से मुलाकात की गई, उनको बार बार प्रेशराइज़ किया गया ताकि वो भी आए, MP साहब से मुलाकात की गई, उनसे भी बताया गया कि साहब आप थोड़ा सा इस पर कंट्रोल कीजिए कि रेट ना बढ़ने पाए और गरीब लोगों जो बेचारे पहले परेशान हाल है और वो अगर महंगा हो जाता है अनाज, दुकानदार अनाज महंगा कर रहे हैं, तो इस पर भी कंट्रोल कीजिए। तो इस तरह से भी बात की गई, DSO साहब से मुलाकात की गई, उनको बताया गया। फिर उसके साथ साथ जो अहम काम कि हम अपने तौर पर जो कर सकते हैं, तो हमने अपने जमात इस्लामी के तरफ से राशन किट तकसीम का एक पूरा प्रोग्राम बनाया। ये तकरीबन 550 से 600 रुपये कीमत का एक किट के, जिसमें 10 किलो गेहूँ है, 5 किलो चावल है, तेल है, 1-2 किस्म की दालें हैं, कुछ जगह पर हमने चावल और सॉरी पत्ती और शक्कर भी दिया है। इस तरह से 550-600 रुपये अमाउंट का एक किट बना करके, सर्वे करके अपने जो लोग हैं उनके ज़रिए से पहुंचाया जाए। ये ना हो कि साहब वही लोग आएँ और वही लोग लेकर के जाएँ, लेकिन ऐसे लोग जो बेचारे मांग भी नहीं रहे हैं, घरों के अंदर हैं, उन तक की आइडेंटिफाई करके पहुंचाया जाए। तो मुझे ये खुशी होती है आपके माध्यम से बताते हुए कि अब तक के जो पहला फेज़ था हमारा, 3 फेज़ में हमने इसकी प्लानिंग की है। पहले फेज़ में हमने 12,75,000 रुपये कीमत के किट तकसीम किए औरंगाबाद में, 2675 किट, ये बाज़ाब्ता सर्वे करके अलग अलग बस्तियों में जाकर के ये किट तकसीम किए गए। ये पहला फेज़ था, ये था हमारा 21 मार्च तक। उसके बाद अब जो है ये 31 मार्च से लेकर 10 तारीख तक के सेकंड फेज़ में तकरीबन 1500 किट हम जो है तो इसमें देना चाहते हैं। उसके हिसाब से प्लानिंग भी हो चुकी है, बहुत सारे लोग हैं आप लोगों के जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, हमारी बात लोगों तक पहुंचाते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे डोनर्स हैं, लोग आकर के पैसे दे रहे हैं और बड़ा अमाउंट भी उसमें आ रहा है, मदद भी इस तरह से मिल रही है। तो सेकंड फेज़ में 1500 किट बनाने का हमारा प्रोग्राम है। इस तरह से ये तकरीबन ये 4000 किट हम ये 2 फेज़ में देंगे। और फिर क्योंकि आप जानते हैं कि अंदाज़ा ये है कि शायद 14 अप्रैल तक भी ये ख़त्म ना हो लॉकडाउन सिचुएशन, आगे चले, तो 3rd फेज़ के लिए भी हमने फिर और एक प्लानिंग की है। और फिर उसके लिए 2000 किट हम चाहेंगे कि 3rd फेज़ में दे। फिर उसके बाद रमज़ान जब आता है तो आमतौर पर रमज़ान में हमारे रमज़ान किट का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। पिछले साल हमने तकरीबन 30 लाख रुपए की किट यहाँ औरंगाबाद में तकसीम किए थे। तो उम्मीद है कि जब रमज़ान आ जाएंगे तो फिर और भी लोग इसमें अहले खैर हज़रात आगे बढ़कर आएंगे। तो ये हमारा जो है तो इस तरह से ये प्रोग्राम है। कोशिश इस बात की है, बहुत तकलीफ़ भी होती है जब यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, हमारे लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं ऐसे ऐसे लोग कि जिनके घरों में चूल्हा नहीं जला, कई मजदूर हैं, कई झोपड़पट्टी के हमारे लोग हैं। तो हमने कोशिश इस बात की कि बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, किसी भी यानी धर्म का ये नहीं, उसमें जो भी लोग होंगे, जो भी परेशान हाल हो, हम उन तक जाएँ और इंसानियत के नाते, मानवता के नाते हम उनकी खिदमत करें। असलन इसकी वजह ये है, असल में जमात इस्लामी हम अपने कैडर को भी ये बता रहे हैं कि हम जो ये काम करते तो ये खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए, कि ईश्वर हमसे प्रसन्न हो, हम इसलिए करते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि वो इस्लाम क्या है जिसका तुम प्रचार करते हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मीठे बोल और भूखों को खाना खिलाना। हम समझते हैं कि इस वक्त इस्लाम ये भूखों को खाना खिलाने का नाम है, और हम जो कुछ कर रहे हैं
तो हम इस्लाम पर अमल कर रहे हैं, हम न किसी से कोई वाहवा चाहते हैं, न कोई प्रशंसा चाहते हैं, न कोई पब्लिसिटी चाहते, बल्कि हम अपने इस वो कैडर हमारा जो इस वक्त लग करके काम कर रहा है, सिर्फ हम चाहते हैं कि आप जो भी लोग इसको देख रहे हैं, आप हजरात के माध्यम से, आप यूट्यूबर्स के माध्यम से हमारे इस मेरी बात को आप सुन रहे हैं, तो मैं सिर्फ हम ये चाहते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें कि जो हमारे वर्कर्स, हमारे एक्टिविस्ट, हमारे कार्यकर्ता जो ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं वो इस बीमारी से भी महफूज रहें, और जो लोग साहिब खैर लोग जो सदक़ा और खैरात कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उनके सदक़े और खैरात को कबूल फरमाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि सदक़ा बलाओं को टालता है, और हमको इस बात की उम्मीद है इंशाल्लाह कि इस तरह से ये काम होता रहेगा, तो जहाँ पर हम लोगों के खाने पीने की ज़रूरत पूरी करेंगे, वहीं जो एक आसमानी आफत, ये जो एक आसमानी सुल्तानी संकट जो हमारे ऊपर है, इस पर भी हम मात कर सकेंगे, इस पर भी हम विजय प्राप्त कर सकेंगे। है आजकल में तो अभी इबादत गाहें मस्जिदें सब बंद है, अभी घर पर ही नमाज सब लोग अदा कर रहे हैं, और शबे बारात में रात भर इबादत करते हैं मुस्लिम समाज, तो इनको क्या अपील करेंगे आप, कैसी इबादत करना है इन्होंने? देखिए, इस्लाम में सबसे ज़्यादा जो अहमियत है वो जुमा के नमाज़ की है, कि जिसमें आपको ये कंपलसरी है, फ़र्ज़ है, ऑब्लिगेटरी है कि वो जुमा की नमाज़ के लिए जमा हो। जब तमाम उलमा ने, हमारे देश के भी और दुनिया भर के भी उलमा ने एक मुत्तफ़िका तौर पर एक फ़ैसला दिया कि साहब मस्जिदों में नहीं जाना है, मिनिमम लोग जाकर के इबादत कर लें, इमाम और कुछ और लोग अजानें होती रहें, और बाकी के जो लोग हैं वो अपने घरों में इबादत करें, तो यही चीज़ शबे बारात के लिए भी है। शबे बारात एक नफिल इबादत है, और वैसे भी नफिल इबादत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि घरों में अदा करो, आपने कहा कि फ़र्ज़ मस्जिद में पढ़ो और नफिल घरों में पढ़ो, फरमाया कि घरों को कब्रस्तान मत बनाओ, घर में तुम इबादत करोगे तो घर भी महफूज रहेंगे, है ना, घर में भी बरकतें रहेंगी, और ये मनुष्यतरी इस तरह की चीज़ें घर में भी दाखिल नहीं हो सकेगी। तो ये बहुत अच्छा सा मौका है कि कल जो शबे बारात है, मैं अपील करता हूँ अपने शहर के तमाम ही लोगों से, अपने भाइयों से, अपने बहनों से, कि सब मिल करके घर में बैठें, और घर में भी थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात आ रही है उसको मेंटेन करते हुए हम इबादत करें, जिक्र अस्कार करें, अल्लाह की तरफ लौ लगाएं, दुआएं और मुनाजात करें, और उसके हुजूर ये सारी दुनिया में जो ये परेशानी है आई है उसके लिए भी दुआ करें, और अपने शहर की हिफाजत के लिए भी खुसूसियत के साथ में हम दुआएं करें। आपसे जमात, तबलीग जमात को इसमें टारगेट किया जा रहा है, मराठवाड़ा में जितने भी निज़ामुद्दीन से आए हुए हैं, हरियाणा से आए हुए हैं, पानीपत से आए हुए हैं, इनकी तलाशी जारी है, बहुत सारे लोग मिल भी गए हैं, और जितने भी टेस्ट किए गए हैं जमात के साथियों के, तो सभी के निगेटिव आते गए हैं अभी तक के, तो टारगेट जो हो रहा है जमात, तबलीग जमात, तो जमात इस्लामी की इस पर भूमिका क्या है? जी, जमात इस्लामी की इस पर बहुत क्लियर कट भूमिका है, बहुत स्पष्ट भूमिका है। हमारे जो अमीर हैं सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब, जो अमीर जमात हैं दिल्ली से, सबसे पहले उन्होंने इसके ऊपर अपना इंटरव्यू दिया और प्रेस ब्रीफिंग की, और ये बताया कि साहब ये जो पूरा एक मीडिया हाइप है, ये जो फैलाया जा रहा है एक प्रोपोगंडा है, और कहीं ना कहीं सरकार अपनी जो जिम्मेदारी है उससे बचना भी चाहती है, वो जिम्मेदारी के जो यहाँ पर बाहर के मुल्कों से 12 फरवरी को राहुल गांधी साहब ने ट्वीट करके जब ये बात कही दी थी और बता दिया था कि एक बड़ा संकट आ रहा है, उसके बावजूद हमारे देश में बाहर से प्लेन आते रहे, और ये सारा कोरोना की जो सारी बीमारी की वबा थी ये बाहर के देशों से आई, प्लेन भर भर के आते रहे, इसको कोई पाबंदी नहीं लगाई गई, और जब ये बात समझ में आ गई कि अब ये संकट बढ़ सकता है, क्योंकि जो लोग दूसरे देशों से आए थे जब वो बड़े बड़े सिटीज़ में, मेट्रोपॉलिटन्स में अपने अपने घरों को चले गए, और ये बात समझ में आई कि अब ये सेकंड और थर्ड फेज में जा सकता है, तो उनको किसी एक विलन की ज़रूरत थी, और उसमें ये मौका उनको मिल गया कि निज़ामुद्दीन मरकज़ के हवाले से कुछ बातें वहाँ से उन्होंने जमा की, कलेक्ट की, और फिर आपने देखा कि एक ज़बरदस्त किस्म का एक झूठा प्रोपेगेंडा मीडिया पर चलाया गया। हम ये समझते हैं कि ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये कोशिशें थी, और आप देख रहे हैं कि अब बहुत अच्छे लोग हमारे देश में हैं, हमारे भारत देश में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने सच्चाई को सामने लाया, और सारी चीज़ें अब खुल करके आ रही है, और जितने लोगों की टेस्टिंग की गई तकरीबन 99% पूरे इंडिया की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ, इन्हें पूरे लोगों को आइसोलेट करके सारी चीज़ें करके जो डाउटफुल केसेस थे उसमें से भी आपको केसेस नहीं मिलेंगे। अभी हमारे महाराष्ट्र के अंदर जितनी रिपोर्ट आई, अभी मैं परसों स्टार न्यूज़ देख रहा था तो उन्होंने कहा कि पूरे महाराष्ट्र में एक भी केस मरकज़ का इस तरह से नहीं है कि जो पॉजिटिव पाया गया हो, उसमें जो तो लोगों को क्वारंटाइन किया गया, ये सारी अपनी जगह। हमारे औरंगाबाद शहर की भी हम बात करें तो यहाँ पर भी जो हमारे तबलीग के जिम्मेदार हैं, हमारे अमीर साहब हैं मोइन साहब, उन्होंने भी सब लोगों से अपील की कि खुद जाएं, खुद सरेंडर हो, खुद अपना चेकअप कराएं, सब लोगों ने इसकी अपील की गई, सब ने उसको कॉपरेट किया और जाकर के अपना खुद चेकअप कराया। लेकिन आप देखिए कहीं भी जो है तो आपको ये नहीं मिलेगा कि उसके वजह से कुछ आया, लेकिन यहाँ पर ये लोग क्या बता रहे हैं कि सारे देश भर में जो आज कोरोना फैला है
ये मरकज की वजह से फैला, ये एक झूठा प्रोपोगंडा है और हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इस पर केस भी किया जाएगा, अभी इस पर भी गौर हो रहा है, इस पर कानूनी एक्शन भी नहीं। औरंगाबाद शहर के भी कुछ अखबार है, उन्होंने भी बिना सबूत ये अखबारों में न्यूज शाया की है। औरंगाबाद शहर के भी कुछ अखबार है, उनसे कुछ अपील करेंगे क्या आप? औरंगाबाद के शहर के अखबारों में भी ये न्यूज आई इस तरह से, यहाँ पर तबलीगी जमात को एक आतंकवादी संगठन इस तरह से ये भी बताया गया, ये न्यूज़ भी यहाँ पर क्या यहाँ के अखबार ने एक लगाई कि इनका जमात का एक साथी जो था वो 9/11 के अटैक के अंदर था। तो इस तरह से जो झूठा प्रोपोगंडा किया गया है, तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनकी भी अभी थोड़ा सा, क्योंकि एक पहले होता है कि इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा कूल डाउन होने दें, हमारा डेलीगेशन जाएगा, उनसे बात करेंगे, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स साथ में रखेंगे और फिर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करेंगे। अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे पल पल पर अच्छे फैसले ले रहे हैं, इस पर अभी बहुत बढ़िया उनका नियोजन चल रहा है, कोरोना के बारे में अच्छा फैसले ले रहे हैं, नियोजन अच्छा कर रहे हैं, फैसले अच्छे ले रहे हैं, इस पर क्या बोलना है सर आपका? जी, इस पर हम माननीय उद्धव ठाकरे साहब और हमारे जो आरोग्य मंत्री है राजेश टोपे साहब, ये जिस तरह से पूरा इन्होंने नियोजन किया है और बहुत प्लानिंग के साथ बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ये काम कर रहे हैं, तो हम इस पर उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। खास करके उन्होंने कल जो बात कही कि जो लोग धर्म के नाम पर इस राज्य में अगर कोई टेढ़ निर्माण करने का कोशिश करेंगे तो हम उनसे बहुत सख्ती के साथ निपटेंगे, उनका ये जो स्टेटमेंट है तो हम इसका भी स्वागत करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जो राशनिंग का जो हमारा सिस्टम है ये सही हो जाए और जो आम आदमी है यहाँ का वो पीला कार्ड धारक है उसको भी मिले और जिनके पास कार्ड नहीं है लेकिन जो परेशान हाल लोग हैं उन तक भी राशन पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। इसी माध्यम से एक बात और आपके सामने मैं रख देता हूं कि हमारा जिस तरह से जमात इस्लामी शहर औरंगाबाद है, इस तरह से जमात इस्लामी संगठन तो पूरे भारत में काम करता है, तो महाराष्ट्र के अंदर जो अभी टोटल हमारी जो फिगर्स कली आए तो 21 तारीख से लेकर 30 मार्च तक के हमने कुल 1,38,00,000 रुपये के 70,000 किट ये पूरे महाराष्ट्र में अभी तक के तकसीम किए गए हैं इस माध्यम से। इस वक्त मैं आप तमाम यूट्यूबर्स का, आप तमाम यूट्यूब के चैनल चलाने वालों का, मीडिया चैनल चलाने वालों का खुसूसियत के साथ शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमारे ये पत्रकार भाई आप लोग अपना जान जोखिम में डालकर ग्राउंड पर उतरकर काम कर रहे हैं और तमाम चीज़ों की रिपोर्ट शहरवासियों तक पहुंचा रहे हैं। ख़ास करके जो तबलीगी जमात के मरकज़ के हवाले से जब खबरें आई और एक गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की गई, तो उस वक्त आपने जो बढ़िया काम किया है मैं उस पर आपका खुसूसियत के साथ शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने चंद्रकांत खैरे साहब के, अंबादास दानवे साहब के और दूसरे जो हमारे शहर के लीडर हैं भागवत कराड़ साहब हैं, ऐसे लोगों के बाइट्स बनाए और ये बाइट्स जब लोगों तक पहुँचे, हमारे हिंदू भाइयों ने जब उसको देखा, दूसरे हमारे शहर के लोगों ने उसको देखा, तो उसके बाद उनकी बहुत सारी गलत फहमियाँ दूर हुई। जो ये एक पूरा मीडिया प्रोपोगंडा जो सारे देश में चल रहा है इसके खिलाफ एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ने का काम हमारे शहर के इन यूट्यूबर्स ने किया है, तो मैं उन तमाम का, आप तमाम रिपोर्टर्स का, आप संपादकों का, आपके यूट्यूबर्स ट्यूब के जितने मालिकान हैं उन सब का जमात इस्लामी हिंद शहर औरंगाबाद की तरफ से खुसूसियत के साथ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।